नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। हरियाणा चुनाव के नतीजों से कांग्रेस में दुख की लहर है। वहीं झारखंड की कांग्रेस और उसकी सहयोगी झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी JMM के नेता इस हार में अपने लिए एक उम्मीद देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि हरियाणा में प्रो इनकम्बेंसी ने भाजपा के पक्ष में काम किया है, जो आने वाले झारखंड चुनाव में भी उनके हक में काम कर सकता है। बता दें, झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और RJD गठबंधन की सरकार है। अगले महीने महाराष्ट्र के साथ यहां भी विधानसभा चुनाव की संभावना है। अगले हफ्ते इसके लिए तारीखों की घोषणा हो सकती है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के एक अंदर के व्यक्ति ने कहा है कि हरियाणा में प्रो इनकम्बेंसी के पक्ष में नतीजे शासन के मॉडल को भी दिखाता है, इसलिए हमें ये दिखाना पड़ेगा कि हमने लोगों के लिए क्या काम किया है। देश भर में कांग्रेस परेशान है, लेकिन झारखंड में अलग मूड है। धनबाद के कांग्रेस नेता ने कहा कि हरियाणा के नतीजे ने संकेत दिया है कि मूड प्रो इनकम्बेंसी के पक्ष में है और मतदाता उस सरकार को चांस देने के लिए तैयार हैं जिन्होंने कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। हरियाणा चुनाव के नतीजों ने सबको गलत साबित कर दिया। BJP 48 सीटों के साथ जीत गई और कांग्रेस हार गई। नतीजों के बाद सामने आए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने नतीजों में गड़बड़ी का आरोप लगाया, साथ ही इस बात की शिकायत चुनाव आयोग से भी की। KC वेणुगोपाल, जयराम रमेश, पवन खेड़ा और अजय माकन सहित कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल बुधवार 9 अक्टूबर को दिल्ली स्थित चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा। यहां चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की और करीब 20 शिकायतों के बारे में चुनाव आयोग को बताया। चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिलने के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने आज चुनाव आयोग को अवगत करा दिया है। करीब 20 शिकायतें जो हमारे पास आई थी, उसमें से 7 लिखित शिकायतों में ऐसी मशीनें थीं जो वोटिंग के दिन 99% दिखा रही थीं और अन्य सामान्य मशीनें 60-70% दिखा रही थीं। इससे हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया। हमने मांग की कि जांच पूरी होने तक उन मशीनों को सील कर सुरक्षित रखा जाए। हमने चुनाव आयोग को ये भी कहा कि अगले 48 घंटों में हम बाकी शिकायतें भी उनके सामने रखेंगे। चुनाव आयोग ने हमें आश्वासन दिया है कि वो जवाब देंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनकी तरफ से भी नतीजों पर सवाल उठा दिए गए हैं। उनका कहना है कि कई विधानसभा क्षेत्रों से शिकायत आई है, चुनाव आयोग को अब इन सब से अवगत करवाया जाएगा। बड़ी बात यह है कि अभी तक कांग्रेस के दूसरे नेता ही ऐसे बयान दे रहे थे, अब पहली बार राहुल गांधी ने भी सुर में सुर मिला दिए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजों का विश्लेषण कर रहे हैं, अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। सभी हरियाणा वासियों को उनके समर्थन और हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को उनके अथक परिश्रम के लिए दिल से धन्यवाद। हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का ये संघर्ष जारी रहेगा, आपकी आवाज बुलंद करते रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष की तरफ से जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों पर भी प्रतिक्रिया दी गई। उन्होंने एक्स पर लिखा कि जम्मू कश्मीर के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। प्रदेश में इंडिया की जीत संविधान की जीत है, लोकतांत्रिक स्वाभिमान की जीत है। अब BJP के नेता जरूर सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस की नजरों में क्योंकि हरियाणा में हार हुई है इसलिए वहां लोकतंत्र भी हार गया है, और क्योंकि जम्मू कश्मीर में जीत मिली है इसलिए वहां संविधान भी जीत गया है। BJP के तमाम नेताओं के मुताबिक हर चुनावी हार के बाद इसी तरह से कांग्रेस आरोप लगाती है और जनता का अपमान करती है। सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा ने फिर EVM का मुद्दा उठा दिया है। वो लोकसभा चुनाव से पहले ही EVM के मुद्दे को उठा रहे हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। अब जाने माने वकील महमूद प्राचा ने कहा है कि हरियाणा चुनाव में बेईमानी हुई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा नहीं, हर एक चुनाव में बेईमानी हो रही है, वो सिर्फ इन मशीनों के कारण ही हो रही है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को निशाने पर लेते हुए कहा कि इस बेईमानी में राजीव कुमार और चुनाव आयोग के अधिकारी शामिल हैं। महमूद प्राचा ने कहा कि चुनाव आयोग बहुत बड़ी धांधली करने में डायरेक्टली शामिल है। मैंने तो इस सारे गोरख धंधे को लोकसभा चुनाव में ही इकट्ठा करके देश के सामने रख दिया था। सुप्रीम कोर्ट में भी केस डाला, सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज नहीं किया और दूसरी अदालतों में जाने को कहा था। उन्होंने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में क्या धांधली हुई इसको उजागर करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि मैंने चुनाव से पहले ही चुनाव आयोग को लिख दिया था कि दोनों राज्यों के चुनाव की वीडियोग्राफी होनी चाहिए, क्योंकि ये आदेश मैं कोर्ट से लोकसभा चुनाव में ही ले आया था। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी चाल पहले ही चल दी है और अब चुनाव आयोग ने वीडियोग्राफी कराई होगी, नहीं कराई होगी तो वो जेल जाएंगे। महमूद प्राचा ने कहा कि मैंने चुनाव से पहले ही चुनाव आयोग को लिखा था कि अगर आपने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में वीडियोग्राफी नहीं की तो अपराध करोगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने अब चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है कि एक हफ्ते के अंदर दोनों राज्यों की 90-90 सीटों की वीडियोग्राफी दे दो, मैं पैसे दे दूंगा। उन्होंने कहा कि अब चुनाव आयोग बंद गया है।
अब सबूत आने का कोई रास्ता तो है? इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस जैसे विपक्षी पार्टियों को इस मामले में कुछ नहीं करने के लिए, लापरवाही करने के लिए जिम्मेदार बताया। महमूद प्राचा ने कहा कि विपक्ष जनता को जवाब दे। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लापरवाही से ही बीजेपी जम्मू में इतनी सीटें ले पाई, नहीं तो आती नहीं। अब सब ये वीडियो में मैं दिखाऊंगा। AIMM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हरियाणा में कांग्रेस की हार और EVM पर बयान दिया। ओवैसी ने कहा कि आप कुछ भी बोलो, EVM पर दोष डालना तो आसान है। EVM से जीत जाते तो सही और हार जाते हैं तो गलत बात है। मेरा मानना है कि बीजेपी को हारना चाहिए था। इसके पीछे कई फैक्टर थे जो कि बीजेपी के खिलाफ जा रहे थे। यहाँ भी बीजेपी को कांग्रेस नहीं हरा पाई। बता दें, कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पवन खेड़ा ने कहा था कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित और अस्वीकार्य हैं। हिसार, महेंद्रगढ़ और पानीपत जिलों में लगातार शिकायतें आ रही हैं कि यहां EVM की बैटरी 99% चार्ज थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को आवंटित सिविल लाइंस के आवास को सील कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री आवास पर दो बड़े ताले लगाए गए हैं। आम आदमी पार्टी ने भी दावा करते हुए इस बात की पुष्टि की है कि मुख्यमंत्री आतिशी के सरकारी आवास में रखे सामान को बाहर निकलवा दिया गया है। आपका कहना है कि ऐसा दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना के आदेश पर हो रहा है। दो दिन पहले ही आतिशी इस आवास में शिफ्ट हुई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोक निर्माण विभाग यानी PWD अधिकारियों ने सरकारी आवास को सील कर दिया। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को मुख्यमंत्री आवास नहीं देने का आरोप लगाया है। आप नेता संजय सिंह ने कहा कि भाजपा के लोग मुख्यमंत्री आवास पर कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी दिल्ली में 27 साल से चुनाव हार रही है, अब जीत नहीं पा रहे हैं तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास पर कब्जा कर लो। मुख्यमंत्री आवास पर कब्जा करने की नई लालसा और इच्छा पैदा हुई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में चुनावी अभियान शुरू कर दिया। वो बुधवार को करोड़ों रुपए की योजना शुरू करने के साथ ही कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कांग्रेस को गैर जिम्मेदार पार्टी होने का आरोप लगाया। PM ने कांग्रेस को घृणा फैलाने वाला करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेंकती रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से सांप्रदायिक और जातिवाद का चुनाव लड़ती है। PM मोदी ने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों में डर पैदा करना चाहती है ताकि उसे अल्पसंख्यक समुदाय के वोट मिले। PM मोदी ने अपनी पार्टी के अगले चुनाव अभियान की शुरुआत करते हुए घोषणा की कि बीजेपी ने हरियाणा चुनाव जीता है, लेकिन महाराष्ट्र में हमें और बड़ी जीत हासिल करनी है। उन्होंने कहा कि अभी कल ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम आए हैं। हरियाणा ने बता दिया है कि देश का मिजाज क्या है। दो बार कार्यकाल पूरा होने के बाद लगातार तीसरी बार चुनकर आना ऐतिहासिक है। लोकसभा चुनाव के बाद नए तेवर में दिखे राहुल गांधी लगातार मोदी को घेर रहे थे। इन महीनों में जब कई मुद्दों पर राहुल गांधी सरकार को घेरते दिखे, तब उन्हें इंडिया गठबंधन के दूसरी पार्टियों का भी समर्थन मिला। लेकिन अब हरियाणा की हार ने उन पर सवाल खड़े कर दिए हैं और जम्मू कश्मीर में भी पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा। जम्मू में मात्र एक सीट जीत पाई, कुल 6 सीटें जीत पाई है, जिसके बाद सवाल उठा है कि हार की जिम्मेदारी किसके कंधों पर रखनी चाहिए। हालांकि कुछ वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि हरियाणा की हार की जिम्मेदारी भूपेंद्र हुड्डा को लेनी चाहिए। हार हुई है तो भूपेंद्र हुड्डा की हुई है। हालांकि कुछ का कहना है कि राहुल गांधी की छवि पर असर पड़ेगा। अब महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव आने वाले हैं। इन राज्यों में हरियाणा की हार का असर दिखाई देगा और कांग्रेस अपने सहयोगी दलों से सीट बंटवारे से लेकर बाकी चीजों में मजबूत नहीं दिख पाएगी। कांग्रेस का पलड़ा हल्का हुआ है। विश्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस एक जीता हुआ चुनाव हार गई है। इससे कांग्रेस के आत्मविश्वास पर सवाल उठते हैं और इंडिया गठबंधन के सहयोगियों का भी कांग्रेस पर विश्वास कम होता है। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस अब फायदे की स्थिति में समझौता नहीं कर पाएगी। अगर पार्टी हरियाणा जीत जाती तो फायदे की स्थिति में होती। ऐसे में अब कांग्रेस और राहुल गांधी की चुनौती कुछ हद तक बढ़ जाएगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस 90 में से 37 सीटें ही जीत पाई और दूसरे स्थान पर रही। इसके बाद उसके सहयोगी दल भी कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं। पहले शिवसेना UBT सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कांग्रेस की रणनीति पर सवाल उठाए और कहा कि बीजेपी के सामने सीधे मुकाबले में कांग्रेस कमजोर हो जाती है। केजरीवाल ने भी अति आत्मविश्वास बताया और अब हरियाणा विधानसभा चुनाव में मात्र 1.79% वोट लाने वाली आम आदमी पार्टी खुलकर उतर आई। कांग्रेस की हार पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि कांग्रेस को उसके अति आत्मविश्वास ने हराया है।
प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि दिल्ली विधानसभा में पिछले 10 साल में कांग्रेस जीरो पर है, लेकिन लोकसभा में उनको आम आदमी पार्टी ने 3 सीटें दी थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जरूरी नहीं लगा कि अपने सहयोगी दलों को साथ लेकर चले, हमने बहुत प्रयास किया पर उसका पोस्टमार्टम करने का कोई फायदा नहीं है, हमें अभी आगे का सोचना है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हरियाणा में नहीं हो पाया था। कांग्रेस ने कहा था कि आप अधिक सीटें मांग रही थी, अब कांग्रेस हरियाणा में हार भी गई है, इसके बाद आपने निशाना साधना शुरू कर दिया। आपकी प्रमुख प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि वो दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी अत्यात्मविश्वासी कांग्रेस और अहंकारी भाजपा के खिलाफ अकेले लड़ेगी। कक्कड़ ने कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस के कारण ही कांग्रेस को हरियाणा में हार मिली। हरियाणा में कांग्रेस के हार के बाद उसके सहयोगी ही सुर उठाने लगे हैं। अब समाजवादी पार्टी के सांसद और प्रवक्ता राजीव राय ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि कांग्रेस को ये सोच छोड़ देनी चाहिए कि वो विपक्षी इंडिया गठबंधन को लीड कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव में हमें कोई सीट नहीं दी और हुड्डा जी ने कहा कि हमारी पार्टी के राज्य में कोई आधार नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में यही हुआ था, जब कमलनाथ ने पूछा था कि अखिलेश यादव कौन है। कांग्रेस हमसे उन सीटों के लिए पूछती है जहां उनकी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन वो उन राज्यों में सीटों साझा नहीं करना चाहती जहां वो मजबूत है। कुछ इसी तरह की राज्यसभा सदस्य सागरिका घोष ने भी कहा। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक में क्षेत्रीय दल गठबंधन में मुख्य ताकत हैं। आप लोकसभा के नतीजे देख सकते हैं, जहां इंडिया ब्लॉक ने अच्छा प्रदर्शन किया वो राज्य थे जहां कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन किया था। ये क्षेत्रीय दल ही हैं जो बीजेपी का सीधा मुकाबला कर रहे हैं और उसे हरा रहे हैं। कांग्रेस को ये एहसास होना चाहिए और आने वाले चुनावों में अपने सहयोगियों को बेहतर तरीके से समायोजित करना चाहिए। कुछ इसी तरह सीपीआई नेता डी राजा ने कहा कि इंडिया ब्लॉक में सीटों का बंटवारा उचित तरीके से नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक की पार्टियों को आत्मचिंतन करना होगा। सीजीआई चंद्रचूड़ इस साल नवंबर में रिटायर होने वाले हैं। अपने रिटायरमेंट के एक महीने पहले सीजीआई चंद्रचूड़ ने अपने दिमाग की उलझन बताई है। उन्होंने कहा है कि उनका दिमाग इस बात को लेकर उलझा हुआ है कि इतिहास उनके कार्यकाल को कैसे देखेगा। सीजीआई ने ये बातें भूटान में कही हैं, जहां वो एक लॉ कॉलेज के दीक्षांत समारोह में पहुंची थी। सीजीआई ने कहा कि मेरा कार्यकाल समाप्त हो रहा है, इसलिए मेरा मन भविष्य और अतीत के बारे में आशंकाओं और चिंताओं से बहुत ग्रस्त है। मैं इस तरह के सवालों पर विचार करता हूं कि क्या मैंने वो सब हासिल कर लिया जो मैं चाहता था। इतिहास मेरे कार्यकाल का मूल्यांकन कैसे करेगा, क्या मैं कुछ और अलग कर सकता था, मैं जजों और कानूनी पेशेवरों की आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या विरासत छोड़ जाऊंगा। उन्होंने कहा कि इनमें से ज्यादातर सवालों के जवाब मेरे नियंत्रण से बाहर हैं और शायद मुझे इनमें से कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलेंगे। बता दें, पिछले दिनों पीएम मोदी सीजीआई के घर पहुंचे थे, पूजा करी थी, जिसके बाद सीजीआई की काफी आलोचना भी हुई थी। इस बीच अब सीजीआई ने अपनी उलझन बताई है। दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की आम सभा ने अपनी कार्यकारी समिति में महिलाओं के लिए पदों के आरक्षण के पक्ष में प्रस्ताव को अपनाने से खारिज कर दिया। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक जब प्रस्ताव ध्वनिमत के लिए रखे गए तो अधिकांश पुरुष मतदाताओं ने आक्रामक तरीके से इस कदम का विरोध किया, जिससे विरोध करने वाली महिला वकीलों की आवाज दब गई। इसके बाद शर्मा ने फैसले को बताते हुए कहा कि हम किसी भी सीट के लिए किसी भी तरह के आरक्षण के खिलाफ हैं। ये घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एसोसिएशन से कोषाध्यक्ष के पद सहित 10 में से कम 4 पदों को महिलाओं के लिए आरक्षित करने का आदेश या आग्रह किया था। सुप्रीम कोर्ट 16 अक्टूबर को मामले की फिर से सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले से एक दुखद घटना सामने आई। आरोप है कि यहां पुलिस ने एक दलित व्यक्ति को अपमानित कर उसकी पिटाई की, जिसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। घटना को लेकर मृतक की पत्नी ने थाने में आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना कोतवाली सोरों क्षेत्र के सलेमपुर बीवी गांव की है। मृतक की पत्नी का आरोप है कि रामलीला प्रांगण में कुर्सी पर बैठने के कारण 2 पुलिसकर्मियों ने उसके पति के साथ मारपीट की और गाली गलौज की, जिससे वो अपमानित महसूस कर घर वापस आ गया और उसने फांसी लगा ली। मृतक की पत्नी ने पुलिसकर्मियों बहादुर सिंह और विक्रम सिंह के खिलाफ सोरों थाने में शिकायत दर्ज कराई है और न्याय की मांग की है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के एक दिन बाद ही बुधवार को समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी। इसमें 6 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी गई है। हॉट सीट करहल और मिल्कीपुर की जिन सीटों पर लोगों की नजरें थी, उनके लिए भी नामों की घोषणा की गई है।
करहल से तेज प्रताप यादव को चुनाव मैदान में उतारा गया है। वो मुलायम सिंह के बड़े भाई के पोते हैं। वो मैनपुरी से सांसद रह चुके हैं। मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद को टिकट दिया गया है। वो अयोध्या संसदीय सीट से चुनाव जीतने वाले अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है कि सपा की इस लिस्ट के बारे में कांग्रेस को जानकारी नहीं थी। वहीं सपा ने जिन 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं उनमें 3 ओबीसी हैं, 2 मुस्लिम हैं और 1 दलित शामिल है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को बहुमत मिला। जम्मू कश्मीर की पार्टी पीडीपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। विधानसभा चुनावों में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती को हार मिली है। उनको 23,529 वोट मिले और वो दूसरे स्थान पर रहीं। चुनाव हारने के बाद इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है, मैं भले ही चुनाव हार गई हूं, लेकिन जो ये सोचते हैं कि मैं सत्ता में बैठे लोगों से सच नहीं बोलूंगी और प्रोपेगेंडा फैलाने वाले चैनलों को टोकूंगी नहीं, वो गलत हैं। बता दें पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने इस बार चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया था। उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती चुनाव लड़ रही थी। पीडीपी को महज 3 सीटें मिली हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक योगेश वर्मा को पुलिस के सामने ही पीट दिया गया। पुलिस के सामने जिला बार संघ के अध्यक्ष अवधेश सिंह और उनके समर्थकों ने विधायक को पीटा। इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि विधायक योगेश वर्मा सड़क पर आ रहे हैं। इसी बीच जिला बार संघ के अध्यक्ष अवधेश सिंह वहां पहुंचते हैं और विधायक को थप्पड़ मार देते हैं। पुलिस अलग कर रही होती है तो विधायक भी भड़क जाते हैं और वो भी मारने के लिए बढ़ते हैं। तभी अवधेश सिंह के समर्थक वहां पहुंच जाते हैं और विधायक के साथ मिलकर मारपीट करते हैं। हालांकि वहां मौजूद पुलिसकर्मी बीच बचाव करते हुए शख्स को दूर ले जाते हैं। बीजेपी विधायक योगेश वर्मा ने खुद के साथ मारपीट के बाद बयान दिया। उन्होंने कहा, ये शहर की ब्रांच है, इसके फाउंडर सभी व्यापारी हैं, हम इसके चुनाव में पर्चा लेने आए। राजीव अग्रवाल व्यापार मंडल के युवा अध्यक्ष हैं, वो यानी राजीव अग्रवाल पर्चा लेकर बाहर आए तो अवधेश सिंह ने उन्हें मारा और पर्चा छीन कर फाड़ दिया। इस दौरान मुझसे भी हाथापाई की। बार संघ के अध्यक्ष होने के बाद भी अवधेश सिंह ऐसी हरकतें करते हैं। उन्होंने सवाल किया, क्या किसी को ऐसी हरकत करना उचित है? निष्पक्ष चुनाव की आशा नहीं थी, लेकिन अब प्रशासन एक्टिव हुआ। अगर पहले से प्रशासन ढीला नहीं रहता तो ऐसा नहीं होता। मामले को लेकर अवधेश सिंह की अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स यानी पेटा ने बुधवार को बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को पत्र लिखा। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार सलमान खान से अपील की गई है कि बिग बॉस 18 के सेट से गधे को हटा दिया जाए। खान को भेजे गए लेटर में पेटा इंडिया ने गधे के उपयोग पर चिंता जताई। बता दें रियलिटी शो बिग बॉस 18 में 19वें प्रतियोगी के रूप में गधराज पेश किया गया है। पेटा के प्रतिनिधि शौर्य अग्रवाल के सलमान खान को लिखे पत्र में कहा गया है कि वो अपने प्रभाव का उपयोग करके शो के निर्माताओं से अनुरोध करें कि वो मनोरंजन के लिए जानवरों का इस्तेमाल ना करें। रूस ने अब हिजबुल्ला के बारे में बयान दिया है। उसने कहा है कि हिजबुल्ला सैन्य रूप से व्यवस्थित बना हुआ है और उसने घातक इजरायली हमलों के बावजूद भी वो बना रहा है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोक ने कहा कि हमारे आकलन के अनुसार हिजबुल्ला ने अपने संगठन की ताकत नहीं खोई, वो संगठित है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगची ने गजा पर इजराइल के युद्ध पर चर्चा करने के लिए सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान से मुलाकात की है। ईरानी विदेश मंत्री ने रियाद पहुंचने के बाद कहा कि हमें उम्मीद है कि सऊदी अरब में इन वार्ताओं से फिलिस्तीन और लेबनान के लिए क्षेत्र में बेहतर स्थिति और शांति हो सकती है। अरगची ने यह भी कहा कि सऊदी अरब के साथ ईरान के संबंध बढ़ रहे हैं और अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हिजबुल्ला भी लगातार इसराइल पर हमले कर रहा है। इजरायली सेना ने पुष्टि की है कि हिजबुल्ला ने मंगलवार को अलग अलग जगहों पर 180 से अधिक रॉकेट दागे। इसराइल के तीसरे सबसे बड़े शहर हाइफा में हिजबुल्ला ने 80 से अधिक रॉकेट दागे। इसके अलावा हिजबुल्ला ने रॉकेट हमलों में से रास अल नकोरा के क्षेत्र को निशाना बनाया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लेबनानी हिजबुल्ला लड़ाकों के साथ झड़प में घायल हुए कम से कम 18 इजरायली सैनिकों को अस्पताल ले जाया गया। वाटरगेट स्कैंडल का पर्दाफाश करने वाले चर्चित पत्रकार बॉब वुडवर्ड ने अपनी नई किताब में दावा किया है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आपूर्ति कम होने के बाद भी गुप्त रूप से रूस के राष्ट्रपति पुतिन को निजी उपयोग के लिए जरूरी कोविड टेस्ट किट भेजी थी। ट्रंप के चुनाव कैंपेन ने इन आरोपों को खारिज किया है। अमेरिकी मीडिया के अनुसार वॉर नाम के इस किताब में ये भी दावा किया गया है कि राष्ट्रपति कार्यालय छोड़ने के बाद भी ट्रंप गुप्त रूप से पुतिन के संपर्क में थे। वहीं ट्रंप के चुनावी कैंपेन ने कहा कि इनमें से कोई भी मनगढ़ंत कहानी सच नहीं है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।